गाइस मैं जल्दी उठ जाऊँ, उसके दो रीज़न होते हैं। रीज़न नंबर एक, मुझे वीडियो शूट करना है। रीज़न नंबर दो, या तो फिर मुझे राइड पे जाना है। और आज का रीज़न है रीज़न नंबर एक। तो सुबह सुबह टेरेस पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एक्सरसाइज ख़त्म कर लेते हैं। वैसे एक्सरसाइज मैं शाम को करता हूँ, लेकिन अगर आज जल्दी उठ ही गए तो एक काम ख़त्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो थोड़ा व्लॉग स्टाइल में बनाने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कल ही सोचा कि लोग डेली व्लॉग कैसे कर ले, तो मैंने सोचा हम भी ट्राई कर दें। तो आज थोड़ा डेली व्लॉग का वीडियो बनाएंगे, बाहर भी जाना है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक्सरसाइज ख़त्म कर लें। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बस इतनी सी एक्सरसाइज के लिए आप टेरेस पे आ गए, तो भाई सारी एक्सरसाइज मैंने ख़त्म कर ली है, लेकिन सब पूरा दिखाने जाऊंगा तो आधा वीडियो इधर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी मिलते हैं नहाने के बाद, ठीक है? आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो वही सीन चल रहा है कि जो भी टी शर्ट सामने दिखे तो पहन लो। तो अभी अपनी चाय रेडी है, तो चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद बाकी की बातें, ठीक है? तो गाइस अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो आज मेरे दो इम्पोर्टेंट काम हैं, एक कि मुझे KTM की बैटरी लेने जाना है, क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो चुकी है ऑलरेडी, आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। तो एक बैटरी लेने जाना है, बाहर जाना पड़ेगा। और दूसरा की चेन क्लीन करनी है, क्योंकि अगर बैटरी लग जाएगी तो शायद मॉनसून राइड एक आध इस वीक या नेक्स्ट वीक में हो जाए, तो उसके लिए बाइक रेडी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बाहर का काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि 11 बज चुके हैं शायद, हाँ 11 बज चुके हैं, और 2 बजे 11 का मार्केट सब बंद हो जाता है। तो सबसे पहले बाहर जाते हैं, ठीक है? तो गाइज मास्क पहन लिया है, सैनिटाइज़र हमारे पास ऑलरेडी है कार में, और मुझे 1 किलोमीटर भी नहीं जाना, लेकिन मैं कार लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कार वैसे ही बहुत टाइम से पड़ी है। तो ऐसा ना हो कि अगले वीडियो में मैं कार की बैटरी लेने जाऊँ, तो उससे अच्छा कार भी थोड़ा घुमा लें, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ कार लेके, ठीक है? और कैमरा भी ऐसे ही मैंने रखा है, कभी भी गिर सकता है ये कैमरा। वैसे बाहर जाना रिस्की है अभी, लेकिन क्या करे, काम है तो जाना पड़ेगा, गिरियो मत। एकदम पास में जाना, इधर मेरे को। गए हैं इधर, पब्लिक इतना है नहीं, लेकिन गोल्डी भाई है कि नहीं है, गोल्डी भाई भी। तो अभी मैं फटाक से जाता हूँ और फटाक से आता हूँ, ठीक है? 2 मिनट में। तो गाइस बैटरी तो बाइक में लग चुकी है, गोल्डी भाई बोले कि वैसे भी हम वेले बैठे हैं तो मैं ही लगा देता हूँ आगे। तो हम लोग घर पे गए और बैटरी लगा दी, और मैं उसको छोड़ने आया था। तो अभी एक और काम है, उधर काम ख़त्म करते हैं, कार लेके जाना उधर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखते हैं, उसके बाद चेन क्लीनिंग का सीन क्रिएट करेंगे। तो अभी मिलते हैं, क्योंकि ये कैमरा कभी भी गिर सकता है।
बार का सारा काम खत्म हो चुका है, अभी अपन को करना है चेन क्लीनिंग। लेकिन अभी पहले बहुत भूख लगी तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद वो सब काम करेंगे। और अभी तो टाइम हुआ है कुछ 12:30 बजे, शांति से करेंगे, टाइम है अपने पास। ठीक है, मिलते हैं, चलो। गाइस एक आया थी शर्मा नामक युवती ने मेरे कैनन M200 वाले वीडियो पे कमेंट पे एक लिंक पोस्ट किया, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे वीडियो पे ये लिंक पेश करने का क्या मतलब, क्योंकि मेरे खुद के वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते तो उन लोगों के वीडियो पे क्या ही आएंगे। कुछ टेक्निकल गुरुजी जैसे चैनल पे पोस्ट करो तो कुछ समझ में आता है। तो गाइस हमारे पास है ये स्टैनले की टूल किट जो मैंने अमेज़न से मंगवाई थी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब इसके टूल ये सब सारे आपको बाइक की ये छोटी मोटी चीज़ें खोलने में काम आ जाते हैं। तो एलन की का सेट है, ये अपना नॉर्मल वाला सेट है ये है, और बाकी ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और 14 mm से लेके 4 mm से लेके 14 mm तक है। तो 1800 rupees कुछ इसकी प्राइस थी, तो आपको अगर चाहिए तो आप लोग मंगवा सकते हो। इसके 2-3 वेरिएंट है तो चेक कर लेना आपके हिसाब से आपको जो चाहिए। और अभी अपना मेन काम कर रहे हैं चेन क्लीनिंग का आज का, तो स्टार्टेड। अगर मैं आप लोग को सारी चेन क्लीनिंग की प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि चेन क्लीनिंग के वीडियोस आपको यूट्यूब पे हज़ारों मिल जाएंगे, तो वो देख लेना, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ दिखा दूंगा। ओके, ऐसी कुछ हालत है गाइस, इधर चेन पे पूरा जंग लग गया है। तो हमारे पास है केरोसिन, फोकस 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 केरोसिन, और ये एक ब्रश है जो कि मैंने अमेज़न से लिया था ये भी, और उसको और कहाँगा, ये रहा एक नॉर्मल अपना टूथब्रश। ठीक है, डर्टी हैंड्स आर साइन ऑफ क्लीन मोटरसाइकिल विच इज नॉट एक्चुअली क्लीन। तो गाइस चेन क्लीन हो गई है अपनी बढ़िया सी। लेकिन अभी मेरे पास चेन ल्यूब नहीं है, तो उसका सीन कुछ करते हैं, क्योंकि इधर शायद नहीं मिल रहा अभी चेन ल्यूब मॉडल का। तो मैंने केरोसिन इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने मोतुल का चेन क्लीनर यूज़ किया, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे तो मैंने मोतुल का चेन क्लीनर भी यूज़ किया है, लेकिन वो कॉस्टली ज़्यादा है। और सेम चीज़ ये केरोसिन भी काम करता है, कुछ लोग पेट्रोल भी यूज़ कर दें, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी यूज़ करो, सब काम एक जैसा ही करता है। ठीक है, અને મારો દિયર ફરા ગયો હનીમૂન પર, એને બહેરીને ઉકીને ફટા પાડે। तो गाइस यहाँ तक वीडियो देख लिया तो पापा ओपी इन द कमेंट सेक्शन में हो जाना चाहिए। और एक बात की बैटरी के बारे में आप लोग को बता दूँ, तो बैटरी एमरॉन की ली है मैंने, कुछ 2100 की बैटरी थी, 2100 की बैटरी थी, लेकिन पुरानी बैटरी के रिप्लेस में आपको कुछ रिटर्न मिलता है, तो 1900 में मुझे पड़ी। और 4 साल की गारंटी है, 2 साल में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूरी बैटरी रिप्लेस हो जाएगी, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको 48% डिस्काउंट ऐसे करके कुछ सीन है उसका, तो अगर आप ले रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये बैटरी भी अमेज़ॉन पे भी मिल जाती है, अगर अमेज़ॉन से लेना है या फिर लोकल शॉप से लेना, इट डजंट रियली मैटर। तो ये सीन है, और सबसे बेस्ट लाइट सोर्स मेरे लिए है। लगता है बारिश पड़ने वाली है। सो गाइस इसी नोट पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, हमने टेरेस से शुरू किया था, टेरेस से ही ख़त्म करेंगे। तो
आपको क्या करना है आज, दो तीन चीज़ें करनी है। पहले तो लाइक करना है इस वीडियो को, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने 69 लाइक्स का गोल रखा था, वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया आप लोग, तो इस बार सेम रखते हैं 69 लाइक्स का गोल, तो वो कंप्लीट कर दो। और इस बार एक और चीज़ करनी है, कमेंट भी करना है कि एक्चुअली मेरी चैनल पर बहुत टाइप के ऑडियंस है, कुछ को ट्रैवल पसंद आता है, कुछ को नॉर्मल ब्लॉग पसंद आता है, कुछ को बाइक पसंद आती है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ नीचे कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है। ये टाइप के ब्लॉग अगर पसंद आते हैं तो वीक में एटलीस्ट वीक में एक ब्लॉग इस टाइप का बना देंगे हम लोग, तो क्या चैनल क्या मतलब अपलोड करने का क्या बोलते हैं उसको, वो भी थोड़ा बना रहेगा। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, एंड लीव अ लाइक एंड कमेंट, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो शायद राइड का होगा, तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। ब्लॉग बोलो, वीडियो बोलो, कुछ भी बोलो, क्या बोलना है वो मैं भूल गया, लेकिन I'm so happy.